हेलो, आज मैं आप लोगों को एक और जानवर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने आई हूँ। जी हाँ, वो जानवर है सांप। सांप का नाम सुनते ही हमें लगता है हमारी मौत सामने खड़ी हो, हम उससे बहुत डरते हैं। सांप ही एक ऐसा जानवर है जिसे देखते ही हम डर जाते हैं और ऐसा लगता है हमारी मौत हमारे सामने आ गई हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पूरे विश्व में 3000 से ज़्यादा सांप की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20% ही सांप जहरीले होते हैं, बाकी के 80% बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी सांप कोई भी काटे, बिना जहरीला वाला काटे या जहरीला वाला काटे, आदमी की मौत हो जाती है, हम मर जाते हैं। पता है क्यों? ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इंसानों पर कि सांप सारे जहरीले होते हैं और सांप ने मुझे काटा है तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता, और वह इंसान मर जाता है। तो याद रखिएगा, अब से ऐसा डर बिल्कुल अपने मन में नहीं लाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20% सांप ही जहरीले होते हैं। विश्व का सबसे ज्यादा जहरीला सांप तुम्हें पता है कौन है? किंग कोबरा। किंग कोबरा विश्व का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है। ये भारत में भी पाया जाता है और भारत समेत पूरे एशिया में पाया जाता है, और हम भारत में इसे काला नाग या नाग देवता के नाम से जानते हैं। आगे बताती हूँ, विश्व का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक यानी धागा सांप होता है। जैसे नाम से ही क्लियर है, ये बहुत पतला दुबला सा सांप होता होगा और इसकी लंबाई भी बहुत कम होती है, सिर्फ 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। और दुनिया का सबसे भारी यानी वेटफुल सांप होता है एनाकोंडा। एनाकोंडा का वेट 270 kg से स्टार्ट होता है और उससे भी भारी भारी सांप होते हैं, यानी विश्व का सबसे भारी सांप होता है एनाकोंडा। आगे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं सांपों के बारे में। सांपों को भी इंसानों की तरह उल्टियां होती हैं। जी हाँ, सांप को जब लगता है कि वो खतरे में है, उसे खतरा नजर आता है, तो वो उल्टियां कर देता है। उल्टियां करने से उसके बॉडी का वेट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और उसे भागने में आसानी होती है। इसलिए अगर उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है या वो खतरे में है, तो वो बार बार 2-3 बार उल्टियां कर देता है, जिससे उसका वेट कम हो जाता है और वो भाग जाता है। और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, तुम्हें पता है सांप की पलकें नहीं होती आंखों पर, वो कभी भी ऐसे पलक नहीं झपक सकते, इसलिए वो जब सोते भी हैं तो अपनी खुली आंखों के साथ सोते हैं, क्योंकि उनकी पलकें ही नहीं होती हैं। और बताती हूँ, सांप के कान भी नहीं होते हैं, सांप सुन नहीं सकता, सांप बहरे होते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि बीन की आवाज़ सुनकर सांप कैसे आ जाते हैं? तो हाँ, सांप आते ज़रूर हैं, लेकिन वो बीन की आवाज़ सुनकर नहीं, बीन बजाने वाले की एक्टिविटी देखकर सांप आते हैं और हरकत में आते हैं और उनके पास आते हैं। ओके, नेक्स्ट बताती हूँ, सांप सूंघने के लिए अपनी जीभों का इस्तेमाल करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि सांप बार बार है ना ऐसे ऐसे जीभ निकालता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सूंघने का काम करता है उससे। है ना इंटरेस्टिंग? आगे बताती हूँ, सांप खाने को चबाकर बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो पूरा का पूरा खाना निगल जाते हैं। उनके जबड़े जो होते हैं ना, वो बहुत लचीले होते हैं, इसलिए वो मुंह से उन जबड़ों का आकार ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं और किसी भी चीज़ को आसानी से निगल जाते हैं। और बताती हूँ, सांप मौसम के अनुसार उसके शरीर का टेम्परेचर चेंज होता है, यानी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सांप के भी शरीर का टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो मौसम के साथ उसका टेम्परेचर एडजस्ट होता है। अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो सांप का भी टेम्परेचर बहुत कम होगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो इन्हीं सारी बातों के साथ सांपों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने बताया है। मैं नेक्स्ट सीरीज़ में और भी जानवरों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।